हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? मेरी वॉइस आप सभी सुन पा रहे हो क्या? तो एक्चुअली वो क्या है ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि स्टूडियो में लाइटिंग इतनी ज़्यादा होने की वजह से, एक्चुअली स्टूडियो में लाइट होती है तो उसकी वजह से हीट उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दिन भर की क्लास के बाद मैं भी पजल्ड हूँ, तो मैंने सोचा क्लास तो लेनी है तो आपको पीपीटी में पहले पढ़ा देता हूँ। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं उसमें लूँ क्लास या पीपीटी में लूँ, कोई समस्या नहीं है। और एक चीज़ और, मैंने कल के दिन सेम टाइम पर आपको बुक्स एंड ऑथर्स कराए हुए हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पीडीएफ आपसे शेयर करी हुई है। वो पीडीएफ अपडेटेड है अभी तक की, मतलब आप ये समझ लो कि उसमें मैंने जनवरी से लेकर और जून तक के, 2021 जून तक के सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट किताब है, और उसके अलावा 2020 की भी इम्पोर्टेंट किताब, 2019 की भी इम्पोर्टेंट किताब, सब की पीडीएफ आपको एक साथ दी हुई है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। सेम चैनल पे कल शाम को मैंने क्लास ली थी। और ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं, 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स का एडिशनल, 12 महीने का अगर आप लेते हो तो 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और ये सब आपको ऑफर मिल जाएंगे वरुण 777 कोड लगाने से, और साथ में 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यह ऑफर आप अवेल कर सकते हो 16 जून तक। और बाकी ये वाला भी ऑफर है, आप रेलवे और एसएससी कॉम्बो भी ले सकते हो, जिसमें 70% ऑफ आपको मिल जाएगा वरुण 777 लगाने पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है आज का, पहले ही आपको बता देता हूँ, दिसंबर 2020 के करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कौन से महीने के? दिसंबर 2020 के। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज शाम को जो 6 बजे क्लास होनी थी जो नहीं हो पाई है, ये क्लास मैंने लगा दी है 12 तारीख को। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 12 तारीख से पहले कल और परसों क्लास नहीं होगी। आप शेड्यूल में देखिए जाके, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो कल ज्योग्राफी की क्लास है सेम टाइम पे, कल शाम को 6 बजे क्लास होगी। और उसके बाद परसों मतलब 11 तारीख को स्टैटिक जीके की क्लास होनी थी, तो वो एज इट इज बनी रहेगी। बस हुआ क्या है कि आज वाली क्लास एक दिन आगे बढ़ा दी है, मतलब 12 को लगा दी है। तो आप ध्यान रखो कि कल आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी शाम को 6 बजे, स्पेशल क्लास, उसके बाद स्टैटिक जीके की होगी, और उसके बाद लास्ट डे भी ज्योग्राफी की होगी। बस इतना अंतर आ गया है, आज वाली क्लास आगे लगा दी है मैंने। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, अन अकेडमी पर स्पेशल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग अभी भी सो के नहीं जागे हैं वो लोग यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे जाएं, वहां पर आपको पता लग जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम पर भी आपको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ये हम लोग कौन से दिन मनाते हैं दिवस? ये दिवस मनाया जाता है बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं केमिकल वॉरफेयर में अपनी जान दांव पर लगा दी। तो ये मनाया जाता है 30 नवंबर को हर साल, 30th of November को। अगला क्वेश्चन है, एडई हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी विद आईसीआईसीआई लुम्बार्ड। आपसे कह रहा है, साल 2020 के आखिर में एडई ने आईसीआईसीआई लुम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है, ठीक है? तो सॉरी, माफी चाहता हूं, एडई के द्वारा अप्रूवल दिया गया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से मर्ज कर दिया जाएगा। तो यहां पर बात हुई आईसीआईसीआई को भारतीय एक्सा के साथ मर्ज करने की। भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर है मुंबई, और एडई की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। अब यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, भारतीय एक्सा की स्थापना 2008 में करी गई है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। क्या नाम है? संजीव श्रीनिवासन। अब एडई की अगर बात करें तो एडई की स्थापना 1999 में करी गई है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे सुभाष चंद्र खुंतिया। क्या नाम है? सुभाष चंद्र खुंतिया। और अभी मैं देख रहा था जब क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो एक स्टूडेंट आके हेलो सर गुड इवनिंग लिख रही है, तो उसके पीछे एक महाशय हैं, वो बोल रहे थे, आप उसको परेशान कर रहे थे, बोल रहे थे कि अरे हमसे भी तो गुड इवनिंग बोल दीजिए। तो ये वाला जो आपका जो नेचर है ना, ये आपको अधिकारी नहीं बनाएगा, इसको थोड़ा सा बदल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हु इज लीडिंग एससीओ समिट 2020। आपसे कह रहा है, साल 2020 का एससीओ समिट किसके द्वारा लीड किया गया? 2020 का एससीओ समिट लीड किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और इस बार का जो एसईओ समिट हुआ था 2020 का, ये कौन सा संस्करण था? ये था नवा संस्करण, 9th एडिशन।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रगति मीटिंग का आयोजन किया गया था 2020 के आखिर में। ये जो प्रगति मीटिंग का आयोजन किया गया था, ये इस बार कौन सी मीटिंग आयोजित करी गई थी? इस बार 33वीं प्रगति मीटिंग आयोजित करी गई थी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रगति मीटिंग कई बार आयोजित करी जा चुकी है नीति आयोग के द्वारा, और इसका मेन मोटो पता है क्या होता है? केंद्र सरकार जितनी भी राज्य सरकारें हैं देश भर में, उनसे एक तरीके का फीडबैक लेती है, रिपोर्ट लेती है केंद्र सरकार, कि केंद्र सरकार की स्कीमें राज्यों में किस तरीके से चल रही हैं और उनकी कंडीशन और स्टेटस क्या है, कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचे हैं। ये सारी चीजें इसका मेन कंसर्न होती हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि केंद्र सरकार रिपोर्ट लेती है कि राज्य सरकारें कैसा काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा सैतूत डैम बनाया जाएगा कौन से देश में? तो भारत सरकार ने इसका काम भी शुरू कर दिया है और ये बनाया जा रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन सी नदी के ऊपर ये बांध बनाया जा रहा है? इसको बोलते हैं काबुल नदी। क्या बोलते हैं? काबुल रिवर। तो काबुल रिवर बेसिन के ऊपर इसको बनाया जा रहा है। सैतू डैम को बनाने के लिए $305 मिलियन की धनराशि लग रही है, और इसका मेन मोटो यह है कि अफगानिस्तान में काबुल वाले रीजन में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। ये कौन है भाई? सार्थक का कहना है, सर एसएससी जेई के बेसिक को, अच्छा जीएस को बेसिक से कैसे स्टार्ट करें, एनी हिंट? सार्थक, अगर आप प्लस में हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिना प्लस के आप तैयारी नहीं कर सकते। बस होता क्या है ना कि अगर आप प्लस पे हो तो आपको पूरा एक कोर्स मिल जाता है शुरू से लास्ट तक का, और आपको पूरा मार्गदर्शन मिल जाता है। अगर आप प्लस में नहीं हो तो भी आप क्या करिए, एक एक करके टॉपिक्स कवर करिए। पहले हिस्ट्री उठाइए, पॉलिटी उठाइए, साइंस उठाइए, ठीक है, ऐसे कर करके क्या करिए, उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना शुरू करिए। आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है, ओके? आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले उसके पिकअप करिए। साइंस हो गई, इको हो गई और ज्योग्राफी हो गई, इन सब के। बाकी करंट अफेयर पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, स्टैटिक जीके पर। करंट अफेयर पिछले 6 महीने के करने ही करने हैं। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार की मदद से सैतू डैम बनाया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर काबुल नदी के ऊपर। अफगानिस्तान में इस टाइम पे सरकार किसकी है? अशरफ गनी की यहाँ पर सरकार है। अभी कुछ टाइम पहले एक बार इनकी फिर से सरकार आ चुकी है। और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार है, और श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की सरकार है। आपको पता है श्रीलंका सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 15 दिन पहले ही एक बिल पास किया गया है, इसका नाम है पोर्ट सिटी बिल। क्या नाम है? पोर्ट सिटी बिल। अब ये पोर्ट सिटी बिल है क्या? श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोलंबो से लेकर अपने कोस्टल एरिया तक एक शहर की स्थापना कर रही है, नए शहर की। ये एक ऐसा शहर होगा जहां पर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री की स्थापना करी जाएगी, और इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट की मदद कर रहा है चाइना। चाइना की मदद से श्रीलंकन गवर्नमेंट सिटी की स्थापना कर रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूरे 100 साल हो जाने के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का कोमेमोरेटिव कॉइन जारी किया था, और कोमेमोरेटिव कॉइन पता है ऐसे सिक्के होते हैं जो कि बाजार में चलाए नहीं जाते हैं, सिर्फ यादगार के तौर पर इनको लॉन्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था कि दिल्ली के अंदर कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आप कराते हो तो उसके लिए कितने रुपए से ज्यादा हॉस्पिटल नहीं ले सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसकी धनराशि फिक्स कर दी थी 800 रुपए में। मतलब कहने का कि अरविंद केजरीवाल की सरकार का कहना है कि दिल्ली के अंदर कोविड टेस्ट अगर आप कराते हो तो कोई भी हॉस्पिटल 800 रुपए से ज्यादा आपसे नहीं ले सकता है, ओके? और क्या आप बता सकते हो दिल्ली सरकार की अभी 3 दिन पहले ही कौन सी योजना ठप पड़ गई है? मतलब कहने का, कौन सी योजना को अभी फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? इसका नाम है घर घर राशन योजना। क्या नाम है? घर घर राशन योजना। ये जो घर घर राशन योजना है, इसको बैन क्यों कर दिया केंद्र सरकार ने? क्योंकि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, इस वजह से उन्होंने इसको बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सैटेलाइट जिसका नाम है कार्टोसैट 2F, अभी ये कुछ टाइम पहले कैनोपस 5 नाम की सैटेलाइट के बिल्कुल पास आ गई थी। ये है आपकी कार्टोसैट 2F और ये है कैनोपस, ये दोनों बिल्कुल पास पास आ गए थे। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की तो कार्टोसैट है, ये जो कैनोपस 5 है ये कौन से देश की सैटेलाइट है? ये रशियन सैटेलाइट है। तो इन दोनों में कॉलिजन होते होते बचा है, ठीक है? और बाय द वे अगर बात करी जाए तो वेट किसकी सैटेलाइट का ज्यादा है?
भारतीय सैटेलाइट कैरोसैट कार्टोसैट का वेट ज्यादा है। कार्टोसैट का वेट है 700 किलो, 700 kg इसका वेट है। और ये जो आपकी कैनोपस 5 है रशियन सैटेलाइट, इसका वेट है 450 किलो। और कार्टोसैट सैटेलाइट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। क्या आप बता सकते हो इस साल ब्राजील की कौन सी सैटेलाइट है जिसको श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया है? बताइए जरा, जल्दी से बताइए। गुड़िया पांडे क्वेश्चन का आंसर करिए। इनका कहना है सर मैं प्लस से पॉलिटी से ज्वाइन किया है मैंने, और हिस्ट्री की क्लास पता नहीं चल रही। गुड़िया उसमें देखिएगा आप कि जो अभी पार्ट चल रहा है वो पार्ट सेकंड है, तो आप जब कोर्सेज में मेरे प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पर आपको पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा, उसमें आपको हिस्ट्री की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिले तो भी एक बार टेलीग्राम पर बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों ने आंसर किया है। अभिनव कुमार, अदिति राणा, राहुल, सभी के आंसर सही हैं। जो लोग एमेजोनिया वन बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। देखिए ये है एमेजोनिया वन, इस सैटेलाइट का नाम है। ये ब्राजील की सैटेलाइट है जिसको इस साल इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, चाइना कौन सी नदी के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने जा रहा है? चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, ओके? और ये कौन सा रीजन पड़ रहा है? ये तिब्बत रीजन पड़ेगा। और चाइना में सरकार किसकी है? शी जिनपिंग की सरकार है चाइना में। क्या आप बता सकते हो अभी कल के दिन चाइना ने किस चीज के लिए यूएस को ब्लेम किया है? चाइना ने किस चीज के लिए यूएस को ब्लेम किया है? चले मैं ही बता देता हूं। आज सुबह के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था। अभी हाल ही में न्यूज में चल रही है ओपन स्काई ट्रीटी, क्या बोलते हैं ओपन स्काई ट्रीटी, जो कि अमेरिका और रशिया के बीच में हुई थी। सबसे पहली बार ओपन स्काई ट्रीटी कब हुई थी? 1992 में हुई थी, 1992 में। अभी ये ट्रीटी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। पहले अमेरिका ने खुद को विड्रॉ किया और कल के दिन रशिया ने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो चाइना इस वजह से न्यूज में था क्योंकि चाइना ने ब्लेम किया यूएस को। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी हाल ही में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया? तो जेएनके पुलिस ने हाथ मिलाया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और पुलिस दोनों के बीच में ये पैक्ट क्यों साइन हुआ है? इसके दो मेन मोटो हैं। पहला तो मोटो ये है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जेएनके पुलिस को नॉलेज देंगे शेयर बाजार की। और ये शेयर बाजार की नॉलेज क्यों देंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास अगर इस तरीके के शेयर बाजार से जुड़े हुए फ्रॉड केसेस आते हैं तो वो उसको समझने में उनके लिए मदद होगी। साथ में बीएसई जेएन के पुलिस अपनी पर्सनल इंक्वायरीज भी कर सकते हैं, मतलब अगर वो शेयर मार्केट के बारे में कुछ आगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी जानना चाहें तो भी बीएसई उनकी मदद करेगा। बीएसई को पता है कब स्थापित किया गया था मुंबई में? 1875 में। और बीएसई के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है विक्रमजीत सिंह। और नाबार्ड के इस टाइम पे चेयरपर्सन है गोविंद रजुली चिंताला, सेबी के हैं अजय त्यागी, और सिडबी के हैं मोहम्मद मुस्तफा। नाबार्ड की स्थापना करी गई थी 1982 में, सेबी की स्थापना करी गई 1991 में, और सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई। आपको ये सारे एस्टैब्लिशमेंट ये रटे होने चाहिए, पिछले साल का और उससे भी पिछले साल का पेपर उठाकर देखिए, आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए हैं। विजय दुबे का कहना है सर आपके नोट्स चाहिए। मेरे नोट्स चाहिए मतलब? नोट्स तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे ना, नोट्स तो हर कोई खुद बनाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय स्कीम लॉन्च करी गई? ये है आसाम में, उस टाइम पर सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी, लेकिन आसाम में अब नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हिमांता बिस्व शर्मा। क्या नाम है? हिमांता बिस्व शर्मा। तो आसाम सरकार के द्वारा अरुणोदय स्कीम लॉन्च करी गई। अब समझिए अरुणोदय स्कीम है क्या। आसाम सरकार का कहना है कि आसाम के अंदर हर वो महिला जो कि गरीबी रेखा के नीचे है उसको सरकार के द्वारा हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 830 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, इस स्कीम की बेनिफिशियरी आसाम के अंदर कितनी फैमिलीज हैं? 18 लाख फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा आसाम के अंदर। आपको बता दूं 1947 के बाद से
आसाम के अंदर सबसे बड़ी स्कीम है ये जो कि लॉन्च करी गई। आसाम में गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है अनसुईया उइके। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई? भारत सरकार ने 900 करोड़ की धनराशि कोविड सुरक्षा मिशन के लिए आवंटित करी। इसका मेन मोटो क्या है? ये पैसा लगाया जाएगा भारत के अंदर वैक्सीनेशन को डेवलप करने के लिए। ओके, और भारत इस टाइम पे कौन सा नया वैक्सीन है जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है? स्पुतनिक। इसका हम लोग स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन का प्रोडक्शन कौन सी कंपनी कर रही है? ये कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज। कौन है? डॉक्टर रेड्डीज। अरे कौन है भाई? विश्वास सिंह। क्या हुआ भाई, ये लूप में क्यों लग गए हो? ये लूप छोड़ भी दीजिए, चोक मत करिए कमेंट सेक्शन, दूसरों को भी आने दीजिए। स्पुतनिक 5 को कौन सी कंपनी बना रही है? डॉक्टर रेड्डी बनाएगी, ध्यान रखिएगा। और स्पुतनिक की एक डोज भारत में कितने की है? इसकी एक डोज है 995 रुपए की, 995 की। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्सिमम कितने रुपए वैक्सीनेशन के ऊपर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है मैक्सिमम 150 रुपए आप ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं ले सकते आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिस ईयर वी हैव सेलिब्रेटेड विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी पिछले साल? ये मनाई गई थी 551वीं बर्थ एनिवर्सरी। इनका जन्म 1469 में हुआ था, ननकाना साहिब में। कहाँ पर? ननकाना साहिब में। और इनका देहांत हुआ था 1539 में करतारपुर में। ओके, इनकी माता का नाम तृप्ता था। क्या नाम था? तृप्ता। और इनके पिता का नाम क्या था? मेहता कालू। क्या नाम था? मेहता कालू। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर, ये कौन है भाई? नील का पूछना है सर ज्योग्राफी की क्लास कब होगा? बेटा आंखें तो खोलो, ऐसे आंखें बंद रखोगे तब तो दुनिया निकलती चली जाएगी, उम्र भी ढलती चली जाएगी और नौकरी का आता पता नहीं रहेगा। 3 दिन से लगातार कॉन्टिनेंट्स करा रहा हूं मैं सुबह 5 बजे अपने चैनल पे, लेकिन आप लोगों को होश ही नहीं है। पूरे कॉन्टिनेंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, कॉन्टिनेंट्स के फैक्ट्स के साथ साथ वहां पे देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई हुई है आपको, लेकिन आप लोगों को होश ही नहीं है, होश ही नहीं है भाई। पता नहीं कहाँ पबजी में बिजी हो, इस टाइम पे तो आईपीएल भी नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। अच्छा, एक वेब सीरीज आई है जो उसमें लगे हो गए, अभी तो बिजी हो गए। जब फुर्सत मिले आप लोगों को तो देख लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर आ रहे हैं और सुबह 5 बजे स्टैटिक जीके की क्लास आ रही है। अगर आप छोड़ दोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। ये कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे तेज 22,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले ये दुनिया के 8वें बैट्समैन बन गए हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, विराट कोहली ने 22,000 रन कितने मैचेस में बनाए हैं? 418 मैचेस में बनाए हैं। कितने? 418 मैचेस। और क्या बता सकते हो सबसे ज्यादा रन किसके हैं? ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन। कितने रन है? 34,357 रन। और सचिन तेंदुलकर ने 34,000 रन कितने में बनाए हैं? 664 मैचेस में बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने 2020 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप किया है? 2020 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप करने वाला देश है अफगानिस्तान। इसमें टॉप करने का मतलब अच्छी बात मत समझिएगा, मतलब स्थिति बुरी है, गंभीर है। मतलब कहने का कि अफगानिस्तान वो देश है दुनिया का जो कि टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार है, जहां पर सबसे ज्यादा टेररिज्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है, लोगों का लाइफ स्टाइल यहाँ पर अफेक्टेड हुआ है। और अगर बात करी जाए भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है, भारत ने 8वीं रैंक इसमें सिक्योर करी थी। ठीक है, और पाकिस्तान की कौन सी रैंक रही? 7वीं रैंक रही पाकिस्तान की। तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, इराक की कैपिटल बगदाद, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा और सीरिया की कैपिटल दमास्कस। क्या बोलते हैं? दमास्कस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंडेक्सिंग चाहे जितनी हो सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांसफर ऑफ फंड अंडर द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इज नाउ अवेलेबल 24/7 ऑन ऑल डेज बाय विच डेट। आपसे कह रहा है आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में आरटीजीएस सिस्टम को 24 घंटे सातों दिन के लिए कर दिया गया। कब से? 1 दिसंबर 2020 से। ठीक है, पहले आरटीजीएस की जो टाइमिंग हुआ करती थी ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हुआ करती थी। मतलब अगर आप आरटीजीएस ट्रांजेक्शन करोगे तो सुबह 7 से 6 के बीच में ही पेमेंट आपका ट्रांसफर होगा। अदरवाइज मान लीजिए रात में 8 बजे आपने किया तो वो आपका पेमेंट कब सेटल होगा? अगले दिन सुबह 7 बजे। ठीक है, लेकिन आप आरबीआई के द्वारा इसको 24 घंटे सातों दिन कर दिया गया है। अब आप अपने एप्लीकेशन से आरटीजीएस के थ्रू कभी भी पैसा भेज सकते हो, वो तुरंत का तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस। नेफ्ट जिसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट की खास बात यह है कि ये आप 1 रुपए से लेकर कितने भी रुपए तक का इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। नेफ्ट की खास बात यह होती है कि इसके बैचेस बनते हैं। मतलब कई बार आपने देखा होगा आपने पैसा भेजा लेकिन वो 15-20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद दूसरे के अकाउंट में सेटल होता है। दैट मीन्स कि ये नेफ्ट है। नेफ्ट के बैचेस बनते हैं 30-30 मिनट के। हर 30-30 मिनट में ये बैचेस के फॉर्म में आपका पैसा ट्रांसफर करता है। लेकिन आरटीजीएस की खास बात होती है इसमें इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है, तुरंत का तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर होता है। नेफ्ट की खास बात यह होती है कि आप किसी भी ब्रांच में, मतलब इसमें वॉक इन कस्टमर परमिटेड होते हैं, आप इसको किसी भी ब्रांच से जाके कर सकते हो। लेकिन आरटीजीएस आप वहीं से कर सकते हो जहां पर आपका बैंक अकाउंट होगा। ओके, तो ये कुछ अंतर है। विश्वास सिंह का कहना है, सर परीक्षा कब तक होगी, आपका अंदाजा क्या कहता है? विश्वास सिंह जी, मैं अंदाजा नहीं लगाता हूं, पहली चीज। अगला क्वेश्चन, एक किताब है द हिटमैन, ये न्यूज में चल रही है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ये किताब न्यूज में थी, रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई किताब है। तो ये किताब लिखी गई है विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन, रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई किताब है। और इस किताब में वर्ड्स दिए गए हैं, क्या बोल रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? हाँ ये सही सवाल हुआ, मेरा अनुभव ये कहता है कि अगले 2 महीने में चीज़ें रिदम में आ जाएंगी, और अनुभव ये भी कहता है कि जुलाई लास्ट तक चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम अगस्त तक, ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आप उस दिन के लिए तैयार रहिए। बाकी तो एग्जाम तो होना ही होना है, ठीक है, और इसी साल होगा एग्जाम, टेंशन ना लीजिए। और इस किताब में जो फॉरवर्ड्स हैं वो युवराज सिंह के द्वारा भी दिए गए हैं, मतलब युवराज सिंह ने भी इस किताब में बहुत कुछ बताया हुआ है जो कि लिखा गया है, और सचिन तेंदुलकर के भी कुछ वर्ड्स हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, अभी ये कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनको तिरुपति एडिबल ऑयल्स में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं करीना कपूर, शी हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तिरुपति एडिबल ऑयल। और आपको पता है सोनू सूद किन किन कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सोनू सूद गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कुछ टाइम पहले, ये एसर के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और तीसरी कंपनी बताओ, तीसरी कंपनी देखता हूँ कौन बता सकता है, बताइए मुझे जल्दी से। सोनू सूद, गार्गो इंटरनेशनल, एसर और तीसरी कौन सी कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जल्दी से बताइए। Anybody who can tell me? बिल्कुल सही, ये पंजाब इलेक्शन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉल अप ऑल पॉलिटिकल पार्टी चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन विच डेट। साल 2020 के आखिर में पूरे भारत भर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब के मिनिस्टर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉल अप किया गया था। कौन सा दिन ये कॉल अप किया गया था? 1, 2, 3 या 4 दिसंबर, 4 दिसंबर के दिन ये मीटिंग कॉल अप करी गई थी, और इसका मेन मोटो था कोविड पेंडेमिक का सॉल्यूशन। और आपको पता है ना 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी मेढक की एक नई प्रजाति पाई गई, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये एक मेढक की नई प्रजाति पाई गई, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्फेरोथेका। क्या नाम है? स्फेरोथेका। ये भारत के कौन से शहर में इसकी नई प्रजाति पाई गई? ये कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में पाई गई नई प्रजाति। और क्या आप बता सकते हो ये भारत का कौन सा राज्य है जिसको जीआई टैग मिला है
दाले खुरसानी मिर्च के लिए, दाले खुरसानी मिर्च के लिए। दाले खुरसानी भारत की सबसे तीखी लाल मिर्च है, जिसके लिए सिक्किम को जीआई टैग मिला। किसको? सिक्किम को। धीरज, आंसर सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि कोविड पेंडेमिक डेथ्स में लोएस्ट पर मिलियन केसेस रहा। मतलब कहने का, दुनिया भर का ये कौन सा देश है जो कि कोविड पेंडेमिक में पर मिलियन केसेस की बात करें तो सबसे कम केसेस रहे इस देश में। ये है हमारा भारत। भारत में सबसे कम केसेस रहे पर मिलियन केसेस के हिसाब से। और भारत की कैपिटल तो आपको बताइए, नई दिल्ली। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। यूएस में जे बिडेन की सरकार है। इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ब्राजील में जेल बोल्सोनारो की सरकार है। आपको पता है ना, जे बिडेन और अमरीकी उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस दोनों का अभी हाल ही में स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? मैडम तुसाद म्यूजियम में। और मैडम तुसाद म्यूजियम ने इसका उद्घाटन कहाँ किया है? न्यूयॉर्क में किया है। ध्यान रखिएगा, पिछले महीने के करंट अफेयर बता रहा हूँ, मई के मंथ के। नील का कहना है, सर मैंने आज जो अनअकैडमी 6 बजे ज्योग्राफी की क्लास होने वाला था, वो क्लास का बात किया था सर। अच्छा, आपने उस क्लास की बात करी थी। ओके ओके, तो वो क्लास मैंने 12 तारीख को शिफ्ट कर दी है। ठीक है, तो दूसरी वाली क्लास जो ज्योग्राफी की होनी थी वो कल हो जाएगी। परसों स्टैटिक जीके की क्लास ले लूंगा 6 बजे, और उसके बाद आज वाली क्लास हो जाएगी। ठीक है, वैसे स्टैटिक जीके आपने देखा था ना, लास्ट क्लास थी, तो अब ज्योग्राफी मैंने स्टैटिक जीके के आगे लगा दी, जो आज नहीं हो पाई है। टेंशन ना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2 लैब की स्थापना करेंगे? ये 2 लैब क्या करेंगी? एक लैब भारत पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरी लैब भारत चाइना बॉर्डर को स्टडी करेंगे। ये है डीआरडीओ। अब समझिए, डीआरडीओ ऐसी 2 लैब क्यों बनाने जा रहा है जो कि भारत पाकिस्तान और भारत चाइना बॉर्डर को स्टडी करेंगे? क्योंकि डीआरडीओ आगे चलकर अनमैंड एरियल व्हीकल बनाने वाला है। मतलब कहने का, ड्रोन्स बनाएंगे, ड्रोन्स बनाएगा डीआरडीओ। ठीक है, और ड्रोन्स ऐसे होने चाहिए जो कि हमारी बॉर्डर में काम करें। उसके लिए बॉर्डर का निरीक्षण बहुत जरूरी है, जिसके लिए डीआरडीओ ने पहले 2 लैब की स्थापना करी है। आने वाले टाइम में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही पूरे तरीके से निर्मित ड्रोन इंडियन आर्मी यूज करेगी। और इस टाइम पर क्या आप बता सकते हो, ये कौन सा देश है जिससे हम ड्रोन्स इंपोर्ट करते हैं? ये कौन सा देश है जिससे हमारा डिफेंस सेक्टर ड्रोन्स परचेज कर रहा है? ये ध्यान रखिएगा, इसराइल है। कौन सा देश है? इसराइल। ठीक है, एंड डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चीफ कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, एक किताब न्यूज में थी, इस किताब का नाम है द अवस्थीज ऑफ आम नगरी, इस किताब के ऑथर कौन है? तो ये किताब के ऑथर आपके सामने लिखी हुई है शुभा शर्मा। शुभा शर्मा के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इस किताब में बताया गया है, ये बेसिकली अवस्थी फैमिलीज के ऊपर लिखी गई किताब है, कि नॉर्थ इंडिया में एक मिडिल क्लास अवस्थी फैमिली को यहाँ पर डाइवर्ज किया गया है, उनके लाइफस्टाइल को एक तरीके से। अच्छा, अभी मैंने हाल ही में आपको एक बुक बताई है, परसों के दिन, मतलब मुश्किल से 2 दिन हुए हैं। ये किताब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर लिखी गई है, और ये किताब किसकी है? डेविड डियोप की किताब है। कोई बता सकता है किताब का नाम क्या है? डेविड डियोप, जो कि पहले फ्रांसीसी बन गए हैं जिनको मैन बुकर मिला है, बुकर प्राइज मिला है। बताइए इनको किस किताब के लिए बुकर प्राइज मिला है? कौन बता सकता है? मधु पार्ली। आंसर बिल्कुल सही है आपका, ब्लैक नाइट। ये ब्लैक नाइट है पक्का, द नाइट एट ब्लैक ब्लड। ठीक है, द नाइट एट, हाँ ओके। तो ये किताब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर लिखी गई है, डेविड डियोप की किताब है। अभी परसों के दिन इनको मैन बुकर प्राइज मिला है, और इसी के साथ ये पहले फ्रांसीसी बन गए हैं, डेविड डियोप। नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसमें भारत का पहला मास्क बैंक स्थापित किया गया? तो ये है कौन सा शहर? नई दिल्ली। वैसे ऑप्शन देखिए कितने गजब के हैं। कौन सा ये शहर है जिसमें भारत का पहला मास्क बैंक स्थापित किया गया है? भैया जाहिर सी बात है, तीसरा ही सही आंसर होगा, बाकी सब तो भारत के बाहर है। और मास्क बैंक का आप मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि आप यहाँ पर जाके
मास्क ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास मास्क ज्यादा हैं तो आप डोनेट भी कर सकते हो। क्लियर? रूपक सरकार का कहना है, सर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये क्या लिख रहे हैं आप? सर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ रहा है अगर नौकरी नहीं मिल रहा। कवारा ही मरना पड़ेगा शायद। अच्छा, कुंवारा ही मरना पड़ेगा, ये आपका कंसर्न है। अरे तो कुंवारे रह गए तो क्या हो जाएगा भाई? डर देखिए आप कितना है, मतलब कि कुंवारे रह जाएंगे तो इतना बड़ा डर है, ये इतना बड़ा कंसर्न है। कुंवारे नहीं रहोगे, टेंशन ना लो, ठीक है? हाँ, स्टडी पर फोकस करो, बाकी नौकरी भी मिलेगी और ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छी नौकरी भी मिलेगी, टेंशन ना लीजिए। मैं समझ ही नहीं पाया क्या कह रहे हैं उतनी देर से, और लगातार कॉपी पेस्ट किए जा रहे थे, कुंवारा ही रहना पड़ेगा, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। बड़ी समस्या है एसएससी स्टूडेंट्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड एड्स डे 2020 ऑन दिस डेट। आपसे कह रहा है वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? यह हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और इस बार की थीम क्या थी? इसकी थीम थी एंडिंग द एचआईवी एड्स एपेडमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। क्या आप बता सकते हो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? जल्दी से बताओ, फटाक से आंसर करो, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? 4 दिसंबर को? नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता 4 दिसंबर को मनाया गया। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया, जल्दी बताइए। धीरज का आंसर सही है केवल, और संजीत का आंसर सही है, 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अभी 14 फरवरी पूछ देते तो याद आ जाता, वैलेंटाइन मनाया जाता है, और पता नहीं कौन कौन से चॉकलेट डे और टेडी डे, वो सब पूरा सीक्वेंस में याद होगा, लेकिन 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है ये नहीं याद आ रहा है किसी को। अगला क्वेश्चन, फिर कहेंगे नौकरी नहीं लग रही है सर, बड़ा सितम ढा रहा है ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन है, 2020 का बहरैन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? 2020 का बहरैन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ के रेसर है? ये ब्रिटेन के रेसर है। ओके okay. और ये कौन सी टीम से खेलते हैं? ये मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। और आपको पता है बहरैन ग्रैंड प्रिक्स में पूरी 57 की 57 लैप्स में लुइस हैमिल्टन नंबर 1 पे थे। सेकंड नंबर पे कौन रहे? ये रहे मैक्स वेरस्टपन सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे इस पे रहे थे ए एल्बन। क्या नाम है? ए एल्बन। और बाय द वे यहां पर आपको बता दूं, वेल्टरी बोटास कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से हैं, और मैक्स वेरस्टपन ये आपके कौन से देश से हैं? ये हैं आई थिंक, हेल्प मी आउट, ये मोरक्को के हैं, और चार्ल्स लेरेक मोनाको के हैं, मोनाको। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसने यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 को टॉप किया है? ये है नहीं, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, अभी मैं वही ध्यान करता जा रहा था, वहीं था दिमाग। मैक्स वेरस्टपन बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम, और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसने यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 को टॉप किया है? तो ये रहा लाहौर, लाहौर रहा नंबर 1 पे। मतलब कहने का, अमेरिका के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 का जारी किया गया, और इसमें बताया गया कि लाहौर दुनिया का वो शहर है जहां पर एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पे रहा भारत का नई दिल्ली, और नंबर 3 पे रहा नेपाल का काठमांडू। ये दुनिया के 3 सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड शहर रहे इस इंडेक्स के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, अभी कुछ टाइम पहले सूर्यधर झील का शुभारंभ किया गया। सूर्यधर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया? उत्तराखंड में इसका शुभारंभ किया गया है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है डोईवाला। क्या नाम है? डोईवाला डिस्ट्रिक्ट में। उस टाइम पर उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, तो इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अब समझिए, सूर्यधर झील जो है ये डोईवाला में 20 गांवों को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देने के लिए, और इरिगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई का पानी देने के लिए और पीने का पानी देने के लिए स्थापित करी गई है।
साथ में सूर्यधर लेक में वाटर स्पोर्ट की भी फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि आगे चल के पर्यटन को बढ़ावा मिले इसमें। ठीक है सर, DSSSB में भी यही सब करंट अफेयर आती है। जी हाँ दानिश, बिल्कुल DSSSB में भी यही करंट अफेयर आपको मिलेगी, टेंशन फ्री होके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को एक लोन दिया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार इस पैसे से उत्तर प्रदेश में रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेगी। तो ये कौन सा बैंक है? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के द्वारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा लोन लिया गया है। ये लोन कितने का लिया गया है? 430 मिलियन डॉलर का लोन ADB ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, और इसकी मदद से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 गांवों में, सॉरी 65,000 किलोमीटर रूरल एरिया में बिजली की सप्लाई देंगे। और कितने गांवों में? 46,000 गांवों में। और ADB की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, IMF के प्रेसिडेंट है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, और AIIB के हैं जिन लिकिन। क्या नाम है? जिन लिकिन। आपको पता है IMF ने अभी हाल ही में दुनिया भर के जो भी लोअर मिडिल क्लास कंट्रीज हैं या लोअर कंट्रीज हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी है? IMF के द्वारा 50 बिलियन डॉलर की धनराशि आवंटित करी गई है। इस पैसे की मदद से जो भी गरीब देश हैं वहां पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए उनको ये पैसा आवंटित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक अमेरिकन स्टडी में पता लगा कि एक कौन सा रेप्टाइल है जो कि छिपकली की तरह अपनी पूंछ